हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 को पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द डिग्री मेजर्स। हमें डिग्री मेजर्स यानी कि एंगल फाइंड आउट करना है। आपको पता ही है कि एंगल को या डिग्री में या रेडियन में निकालना होता है। तो यहां पे कहा गया है फाइंड डिग्री मेजर्स, यानी कि एंगल को निकालना है और किसमें निकालना है, डिग्री में निकालना है। ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो हमें एंगल निकालना है। किसका एंगल निकालना है, एक सर्कल है जिसका जिसका रेडियस है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो ऐसा एंगल निकालना है जिस सर्कल का रेडियस तो 100 सेंटीमीटर है और वो जो एंगल है रेडियस और आर्क, आर्क की जो लेंथ है वो है 22 सेंटीमीटर। तो आर्क के बीच में और रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो निकालना है। तो मैं एक बार आपको डायग्राम बना के समझाता हूं। ये रही फिगर, ये है सर्कल, ये मानिए इसका सेंटर ओ है, ये है इसकी रेडियस, कितनी गिवन है हमें, 100 सेंटीमीटर। तो हमें कहा है कि वो वाला एंगल निकालो जो किसके द्वारा बनाया गया है, एक आर्क है, आर्क समझते ना आप, सर्कल का एक पार्ट, कोई भी हिस्सा, सर्कल का इतना हिस्सा मान लिया मैंने, वो कितना है, 22 सेंटीमीटर का है। 22 सेंटीमीटर की ये जो आर्क है वो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी। तो ये रही आर्क, इसने सेंटर पर एंगल बनाया जिसको मैंने नाम रख दिया थीटा, ठीक है। तो हमें यही एंगल फाइंड आउट करना है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल पे बनता है और उस सर्कल का रेडियस 100 सेंटीमीटर है और एंगल बनाने वाली जो आर्क है उसकी लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर। चलिए अब सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सॉल्यूशन इसका बिल्कुल सिंपल सा है। हमें रेडियस आर्क की वैल्यू कितनी है, 100 सेंटीमीटर, और जो आर्क लेंथ है, आर्क की लेंथ को, आर्क की लंबाई को मैं L लिख रहा हूं, वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आपको पता है फॉर स्मॉल एंगल्स, हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जो चैप्टर 3 है वो हमारे लिए ये चल के, ये मान के हम चलेंगे कि जो एंगल्स हैं वो काफी स्मॉल हैं। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। इस चीज को आपने याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एल की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, एल की वैल्यू गिवन है 100 सेंटीमीटर, सॉरी एल की वैल्यू गिवन है 22 और आर की वैल्यू कितनी है, 100। ये आ गया थीटा। लेकिन जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो जो थीटा है यानी कि जो आपका एंगल है वो किसमें होता है, हमेशा रेडियंस में होता है। थीटा आपका आ चुका है 22 बाय 100, लेकिन वो किसमें है, रेडियंस में है। हमें किसमें फाइंड आउट करना है, हमें इसको फाइंड आउट करना है डिग्रीज में। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, (180/π) इससे मल्टीप्लाई कर दिया। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया ऊपर वाले क्वेश्चंस में, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने यही काम किया है। तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की वीडियो देख लीजिए। और यहां मैं शॉर्टकट बता रहा हूं सीधा ही कि रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा।
और हमें कहा गया है पाई की वैल्यू 22/7 यूज की जाए, तो पाई की वैल्यू मैं लगा दूंगा यहां पे 22/7, ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1, 180, 100, 1 और ये नीचे 7, इस 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं और ये 7 ऊपर आ जाएगा, तो 7 बचेगा, ये जो 7 है वो ऊपर आ जाएगा, 1 बचेगा और 18 बचेगा और नीचे 10 × 1, तो आगे देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। तो हमारे पास बचा 7, 1, 18, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 7, 1, 18 और नीचे 10 और 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 × 1, 7 और 7 × 18, 126 upon 10। इसकी भी वैसे कटिंग हो सकती है, आप इसको काट देते हैं पहले यहीं पर, 63/5 ये आ गया डिग्री में, लेकिन हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 63 को हम क्या करेंगे, पहले को 5 से डिवाइड किया जाएगा, तो आंसर में आएगा 12 डिग्री। जो रिमाइंडर बचा है 3 बचा है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आंसर आया उसको फिर से 5 से डिवाइड किया जाएगा, आंसर आया डिवाइड करके, तो वो होगा मिनट, तो हमारा आंसर आ गया 12 degree 36 minutes। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर है, द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, और जो कोड की लेंथ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, आर्क की लेंथ निकालनी है, और कौन सी आर्क माइनर आर्क, आपको पता ही होगा सर्कल में दो आर्क होती हैं और एक माइनर और एक मेजर, अगर नहीं पता कोई बात नहीं मैं आपको यहां पे समझा देता हूं सारी चीजों। हमें डायमीटर कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड सेंटीमीटर, ये रहा सर्कल, ये इसका सेंटर, कोड क्या होता है सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो वो कोड है, तो सर्कल के मैंने एक पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इनको ज्वाइन करके जो लाइन बनी है उसको क्या बोलेंगे कोड बोलेंगे, तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है ये भी 20 सेंटीमीटर है और ये रेडियस भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस है सेम ही रहेगा, ये सेंटर हमारा हो गया O। अगर आप इस सर्कल को ध्यान से देखें और इसके अंदर जो आपको ये ट्राइंगल दिख रही है ओ ए बी, इसकी तीनों साइडें कितनी है 20, 20 और 20 सेम है, यानी कि ये कैसा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी जो माइनर आर्क है, देखिए आर्क क्या होता है सर्कल का कोई भी हिस्सा, तो सर्कल का कोई भी हिस्सा, ये रहा ए बी, ये रही आर्क, ये छोटी वाली आर्क है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे माइनर आर्क बोलेंगे और जो बड़ी वाली आर्क है इसको क्या बोलेंगे मेजर आर्क बोलेंगे। फिलहाल हमें मतलब किससे है
माइनर आर्क निकालना है, तो हमें माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है, ये लंबाई निकालनी है, ये इसको मैं क्या लिख रहा हूं एल, तो एल हमें निकालना है इस माइनर आर्क की लेंथ। तो हमारा जो रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, उसमें थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर ये रिलेशन हम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें एल भी नहीं पता, थीटा भी नहीं पता, सिर्फ आर पता है। तो अगर हमें किसी भी रिलेशन में दो चीजें नहीं पता तो हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते ना उसमें से कोई चीज। हम रिलेशन तब यूज करते हैं जब उसमें से हमें सिर्फ एक चीज ना पता। तो हमें थीटा कैसे नहीं पता लगेगा, देखिए ये रहा थीटा, थीटा ये होता ना, आर्क ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया ये रहा, उसी को हम क्या बोलते हैं थीटा बोलते हैं। अब ये थीटा कितना होगा ध्यान से देखिए, ये क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री, तो ये थीटा कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो यहां पे आपको खुद सोचना है कि थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो थीटा पता लग गया हमें 60 डिग्री। लेकिन इस रिलेशन में जो थीटा की वैल्यू भरी जाती है पुट की जाती है वो डिग्री में नहीं रेडियंस में भरी जाती है, तो हमें इस डिग्री को पहले क्या करना पड़ेगा रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया ये पाई बाय 3 रेडियंस आ गया। अब क्या करेंगे हम, थीटा हमें पता है, एल हमें निकालना है, आर की वैल्यू हमें पता है, इस रिलेशन को यूज करेंगे और एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। चलिए इस रिलेशन को यूज करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है पाई अपॉन 3, एल हमें निकालना है और आर हमारा कितना है 20, इस 20 को आप ऊपर भेज दीजिए, ये आ गया आपका एल। और अगर आप चाहें तो पाई को आप 22/7 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 440/21 सेंटीमीटर, इसको आप डेसिमल्स में निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने फोर्थ और फिफ्थ दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अगर समझ नहीं आए तो एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखिए, और समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी और मिलती रहेंगी। तो नहीं कह सकते यार फ्यूचर किसने देखा, लेकिन कोशिश यही की जाएगी कि आप तक रेगुलर वीडियोस को पहुंचाया जाए। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।